सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो स्टूडेंट्स, हम हैं RVHS हॉस्पिटल में और सबसे पहले हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की एंड देन मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है. इसके अंदर जो है वो रैंडम रिएक्शंस लिए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. ओके सो चलते हैं किसी के पास और देखते हैं उनका जो भी डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली है तो वो अपनों को बताएंगे. ठीक है. सो हेलो गाइज. हेलो. तो तुमसे एक क्वेश्चन था, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है फर्स्ट ईयर में. BSc नर्सिंग का पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में है, तो तुम लोग बताओ कि तुम्हारा कौन सा मीडियम है और तुम्हें कैसी डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली या नहीं. तो आप बताओ आपका क्या नाम है. मेरा मीडियम हिंदी है. आपको बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग के अंदर हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि अपन कुछ कर ही नहीं पाते हैं. जैसे जैसे अपन प्रॉब्लम को फेस करते जाएंगे वैसे वैसे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और अपन उतना ही अच्छा कर पाएंगे. जैसे कि मेरे साथ हुआ है कि मेरा सबसे वीक पॉइंट इंग्लिश ही था, मुझे कुछ भी नहीं आता था स्टार्टिंग के अंदर. लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको स्टार्ट किया तो उस टाइम मैंने मतलब कि वो प्रॉब्लम मेरे लिए इजी हो गई थी, मैं अच्छे से कर पाते थे इंग्लिश. तो मैंने क्या किया कि पहले जो भी इंग्लिश का मैटर था उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर उसी हिंदी को याद करके मैंने अपने हिसाब से इंग्लिश बोली. और इसके अंदर मेन पॉइंट ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि अपन इसमें इज आरम लगाए. कुछ लड़कियों की या कुछ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें वोकैबुलरी आएगी या ग्रामर नॉलेज है या नहीं है. तो बता दूँ आपको कि इसका इतना कोई रोल नहीं होता है, वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं. अब रही बात वर्ड्स की, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसमें थोड़ा वो चल जाता है, लेकिन इतना भी नहीं चलता है कि अपन पूरी मिस्टेक करते जा रहे हैं. अब जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, जैसे आप जैसे हिंदी मीडियम से थे तो आपने सारे स्टमक वगैरह इन सब के नाम हिंदी में याद किए थे, तो अब आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है इन नाम को याद करने में या फिर? बिल्कुल नहीं आती. मेन बात तो ये होती है कि जैसे कोई भी ऑर्गन है अगर अपन उसका हिंदी में नाम लेंगे ना तो वो ज़रूर याद नहीं होगा. उसका जो इंग्लिश में नेम है वो बहुत ईजी है, याद हो जाएगा और अपन आसानी से कर पाएंगे. थैंक यू. ओके चलते हैं किसी और के पास और देखते हैं उनका रिएक्शन. सो हेलो गाइज. राधे राधे. तो मैं एक क्वेश्चन था आपसे कि हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर में, तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास यही डाउट आ रहा है. तो आप बताइए आपका कौन सा मीडियम था और आपको कितनी डिफ़िकल्टी हुई, तो आप बताइए पहले. मेरा आपका नाम सुनीता शर्मा है और मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ. अच्छा. और फर्स्ट टाइम आते हैं तब नए तब थोड़ी बहुत ऐसे दिक्कत होती है स्पेलिंग्स में और इनमें. फिर जैसे मतलब इसमें ऐसे नहीं है कि आपको लाइन टू लाइन जैसे इज एम आर पूरा ऐसे ही ऐसे दिखना है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती. बस स्पेलिंग्स होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो बस यही काम आता है इसके अंदर. और इतनी भी हार्ड नहीं है जितनी अपन ऐसे सोचते हैं कि इंग्लिश में आएगा सब कुछ, उसे बहुत हार्ड है. इतनी हार्ड नहीं है, हो जाता है. बस स्पेलिंग्स आनी चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस. यस थैंक यू. अब आप बताइए आपका मीडियम कौन सा है. मेरा नाम शीतल भाटी और मेरा इंग्लिश मीडियम था. तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो. और देन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि आपको लैंग्वेज वाइज लिखना है, कॉपी भरनी है. आपको जो लिख रहे हो वो कंसाइज लिखना है, शॉर्ट में लिखना है. ऐसा नहीं है जो पढ़ा है वो सब कुछ लिखना है. आप डैश करके भी लिख सकते हो जैसे कोई क्वेश्चन आया. मतलब जरूरी नहीं है कि लाइन वाइज बना के लाइनें लिखनी है ना, पॉइंट वाइज लिख सकते हो, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं. ओके सो थैंक यू गाइज. बाय बाय. सो गाइज अब चलते हैं किसी और के पास और देखते हैं उनका रिएक्शन. सो यहाँ पे सरिता हमको फिर से मिल गई है. सो हेलो गाइज. हेलो. सो आप बताइए आप कौन से मीडियम से हैं, हिंदी या इंग्लिश? मैं हिंदी मीडियम से हूँ. तो आपको कोई दिक्कत आई एग्जाम वगैरह में? मोस्टली बच्चों का यही डाउट होता है कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमसे कैसे हो पाएगा BSc नर्सिंग. देखो एक्चुअली बात ये है कि शुरुआत में हम जब आए थे ना तब हाँ एक दो मंथ हमें दिक्कत आई थी शुरुआत में कि क्या करेंगे कैसे होगा, बट धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाता अपने आप. हमने मतलब इस चीज़ से सीखा ही है कि जरूरी नहीं कि अपन हिंदी मीडियम से तो अपन को कुछ नहीं आएगा. हमने धीरे धीरे ट्राई किया और सब कुछ हो गया और इनफैक्ट मेरे अच्छे नंबर भी आए थे फर्स्ट ईयर में. ओके गुड. आपका नाम? सरिता. आपका कौन सा मीडियम है? मेरा भी हिंदी मीडियम है. बंद करिए. मेरा भी हिंदी मीडियम है. बंद करिए.
आप कौन से मीडियम से हो? सो हेलो गाइस, हेलो। एक क्वेश्चन था तुमसे, तुम कौन से मीडियम से हो, हिंदी और इंग्लिश से? हम हिंदी मीडियम से हैं दोनों। अच्छा, तो तुम्हें कोई डिफिकल्टी फेस हुई फर्स्ट राउंड में, जो फर्स्ट ईयर था उसमें? नहीं, इतनी तो कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बाकी अगर ठीक है, निकल गया फर्स्ट ईयर तो अच्छे से। मतलब इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आई लिखने में? नहीं, इस स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं ना, आते हैं जब ऐसे शुरू में आते हैं घर से, तब आती है दिक्कत। जैसे कि मैं समझ में नहीं आता, यही टेंशन रहती है कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इतने 40 पेज की कॉपी होगी इसे कैसे फिल करेंगे, पूरा ये सोचते रहते हैं। पढ़ते कम है, ये ज़्यादा सोचते रहते हैं। हाँ, मोस्टली बच्चों का यही डाउट था। बस बाद में पता चलता है कि हम पढ़ते तो आराम से हो जाता है, 40 पेज कोई माया वो भी कम पड़ जाते हैं यदि हम लिखें। यदि हमें कुछ पता है, कोई भी टॉपिक लो तो उसे पढ़ो, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, पर उसे पढ़ो, फिर उसे टूटी फूटी इंग्लिश में सोच लो एक बार कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे लिख देंगे हम, तो आराम से टॉपिक क्लियर हो जाता है। मेन चीज़ है कि टॉपिक क्लियर करो तो। जरूरी ये नहीं है ना कि उनको ग्रामर आनी चाहिए, इज एम आर शुड वुड, ये आप डायरेक्ट लाइन लिखोगे ना कि हाँ स्टमक के है, स्टमक की साइज ये है, एनाटॉमी जैसे स्टमक के तीन पार्ट हैं तो सिर्फ पॉइंट थ्री पार्ट करके भी आप लिखोगे तो कोई इसमें नहीं है कि इट इज ए थ्री पार्ट, ऐसे कुछ नहीं करना। बस आप लिख दो जो भी है, बस कंटिन्यू होना चाहिए, सही होना चाहिए, बस ये होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई लिख कुछ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, स्प्रिंग मिस्टेक भी होती है, थोड़ी बहुत चल जाती है, और बिल्कुल करोगे तब तो कोई मतलब नहीं, थोड़ी बहुत तो चलती है, इतने डरने की बात ही नहीं, आराम से हो जाता। सो आराम से हो गया था आपका। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजकुमारी धाकड़। मेरा नाम शिवानी। सो थैंक यू, थैंक यू। आवर लेटर। सो गाइस, अब चलो किसी और से क्वेश्चन पूछते हैं। सो लिफ्ट में चलते हैं। ओह, ये तो हमारी क्लास के ही स्टूडेंट। सो गाइज, आपका कौन सा मीडियम था? इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड। और आपका? हिंदी मीडियम। तो आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई फर्स्ट ईयर में? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी मीडियम से ही होते हैं, तो इंग्लिश में उनको सब कुछ कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई? हाँ, फर्स्ट ईयर में थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी मीडियम से, जैसे मतलब कि क्या पूरी जो भी है इंग्लिश में पढ़ना होता है। हाँ, तो पढ़ने में दिक्कत आती है और आंसर लिखने में दिक्कत आती है। अच्छा, पर उसके बाद धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करो तो हो जाता है, मतलब इतना कोई सेकंड ईयर में मतलब कम हो जाती है वो दिक्कत। और आपके मार्क्स अच्छे आए हैं, मतलब आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से क्लियर हो गए सब? हाँ, मतलब कंटिन्यूस पढ़ाई करें, याद करें तो ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इंग्लिश और हिंदी में, लिखने में दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, शुरू में। और अब आप सेकंड ईयर में, अब आपको दिक्कत होती है इतनी? पहले होती थी, अब कम हो गई। ओके, सो थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। सो ये हंसती रहेगी लग रहा है मेरे को, नहीं मैं जाऊं। सौम्या, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।